जी आपको तो पता है पिछले 10 सालों से हमारी बम्पर की शादी नहीं हो रही। एक मिनट फोटो दिखाती हूँ, ये देखो भाजी। भाजी कहाँ से इसकी शादी हो, इतना बड़ा मुंह भाजी, इतना तो दरियाई घोड़े का नहीं बड़ा होता मुंह। मैंने एक लड़के से रिश्ता भी बुक किया था। अच्छा? मैंने कहा भाजी ये देखो फोटो देखिए लड़के की, भाजी लड़के को इतना गुस्सा आया उसने अपना भाई मुझे फेंक के मारा पता। खैर कोई बात नहीं, जो मर्जी कहो भाजी, है तो लड़की ना। कहते भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, मुंडा मिल गया जे। अच्छा भाजी देखना सही कैसा रिश्ता करवाया बबली ने। Really? बुलाती हूँ इसको, पागल ही हो जाएगी सुन के। बम्पर बम्पर, मैंने कितनी बार कहा ऐसे भाग के मत आया कर, ऐसे लगता ट्रक पागल हो गया है। ये देखिए लॉरी को ट्रक की कितनी चिंता हो रही है। वैसे तेरे को एक बात बताऊं, तेरे लिए खुशखबरी है। क्या बर्गर सस्ते हो गए? आगे लिए बर्गर महंगे हो या सस्ते तुझे क्या फर्क पड़ता है। सिद्धू बाजी एक बार बर्गर वाली दुकान के जाके कहती कि भैया अगर मैं आपका बर्गर खा लूं और पैसे ना दूं तो क्या होता है, तो भैया कहता 10 मुक्के पड़ते हैं। अच्छा अगर एक्स्ट्रा चीज वाला खाऊं तो फिर मुक्के ही लाते। क्यूटी पाई क्या कर सकते हैं सिद्धू जी, आप ही बताइए, महंगाई इतनी बढ़ गई है। पता है मेरे दादाजी के टाइम पे एक मुक्के में 2 बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक साथ में मिल जाती थी, उसमें भी थोड़ा सा मुक्का बच जाता था। वैसे आप ये बताइए ना खुशखबरी क्या है। खुशखबरी ये है बम्पर कि मैंने तेरी शादी के लिए एक लड़का ढूंढा है। आपको पता भी है मुझे कैसा लड़का चाहिए? देखो बम्पर जैसी तुम्हारी शक्ल है ना, तुम्हें जिंदा लड़का मिल जाए इतना ही बहुत है। लेकिन बात कहूँ जो लड़का मैंने ढूंढा है ना उनकी 2 ही शर्तें हैं। एक तो लड़की संस्कारी घर से होनी चाहिए और दूसरा लड़की के घर वाली अमीर होनी चाहिए। अमीर? संस्कारी घर की तो मैं हूँ लेकिन अमीर? आए पाजी वाकई बड़े गरीब है, आपको पता है अगर दरवाजे पे ये और गाय एक साथ खड़े हो ना तो सबसे पहले रोटी इसको देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कप्पू और चंदू से भी बात कर ली, वो भी तेरी हेल्प कर रहे हैं। बस तू लड़के वालों के सामने एकदम अमीरों वाली हरकतें करना। ओ उसका तो आप टेंशन ही मत लो, मैं एकदम कमाल की अमीर बन जाऊंगी। जैसे कि अपने ये 10, 20, 50, 100, 500 के नोटों को तो मैं पहचानूंगी ही नहीं, और 2000 के नोट को तो मैं वैसे भी नहीं पहचानती, मैंने देखा ही नहीं ना। ओ क्यूट पाजी, जा बेबी जाके अच्छी तरह से तैयार हो, लड़के वाले आने वाले हैं। वैसे आपके पास एक कोई XXL वाली साड़ियाँ होंगी क्या? मेरी सारी साड़ियाँ ना एकदम टाइट हो गई हैं मौसी। अच्छा साड़ियाँ टाइट नहीं होती, ब्लाउज टाइट होते हैं पागल। चल जा यहाँ से तैयार हो। आप औरत हैं आपको ज्यादा पता होगा। I'm a girl. चलो। अमीर लग रहे हैं हम। मैंने आपको अमीर बनने के कहा था, बप्पी लारी नहीं ना। इसने तो अमीर भी नहीं पहनते गहने जिन्हें आप गरीबों ने पहने, थोड़े कम करो भी। अच्छे काम नहीं करने नकली है फिर क्या हुआ, है तो सोना के नहीं, नहीं तो हमारे घर में सोने के नाम पे तो सिर्फ कराटे ही होते हैं। मेरी बात सुन, अपना मुंह मत खोलना चाहना लड़के वालों के सामने। क्यों, अंदर बिल्ली बच्चे दे जाती है? तो बेवकूफ आदमी, उनको पता चल जाएगा इतना सोना नकली जितनी माँ नकली है, और ज्यादा हिलना जुलना नहीं है ना, माँ बिखर जाए उधर। एक मिनट चंदू बात सुनो, जैसा मैंने समझाया था ना बिल्कुल वैसा ही करना, मतलब अमीरी वाली फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है पक्का? पक्का। एक मिनट फिर। ओ इतना मोटा नोट, नोटों की गड्डी कहते हैं इसको, रिश्ता होने के बाद दे देती, इतनी क्या जल्दी थी, आप पे विश्वास है? मैं भी बड़ी चंटू बाद में दूंगी। एक्चुअली ये गड्डी है ना ये अमीरी शो करने के लिए, इसका ऊपर का और नीचे का नोट असली है, बाकी सब भारतीय चूर्ण बैंक वाले हैं। और हाँ कप्पू ये लो चेकबुक, बात बात में चेक फाड़ के उड़ाते रहना। मैंने कहा देखो अमीरी शो हो थोड़ी। आ गए लड़के वाले। कहाँ? कार के नीचे। कार में बैठ के आए हैं। अच्छा अच्छा जल्दी जल्दी अमीरी वाली फीलिंग लाओ। तुम्हारी माँ का बेटा हुआ इतना नाच रहे हो। ये चेक स्वागत करो भी लड़के वालों का। एक मिनट भाई साहब, ये चेक क्यों आप फाड़ फाड़ के लुटा रहे हैं?
अब 5-7 लाख कैश कौन लुटाए? हमारे यहाँ सारा काम वाइट में होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ ब्लैक शर्ट भी वाइट होती है। आपको आने में कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं हुई? ना जी ना, हम कौन सा बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। अच्छा, अच्छा। गाड़ी में बैठे इधर आके पहुँच गए। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी तारीफ। ये लड़की के करोड़पति मम्मी पापा। हाँ जी वाह वाह, सच में लग रहे हैं जी। हाँ जी, इतने गहने तो जोधपुर की महारानी नहीं पहनती जितने आप पहन के घूम रही है। अभी तो ये जल्दी जल्दी में तैयार हुई है, इसलिए सिर्फ गले और हाथ में पहने, नहीं तो प्रॉपर तैयार होती है ना, जुबान पे भी ऐसे कंगन पहन के आती है। अच्छा, फिर इससे बोला नहीं जाता, रुर रुर करती, मैंने खुद ही मना किया। हाँ जी, हमारे पास तो सोना ही इतना, लोग तो प्यार से मुझे सोन पापड़ी भी कहते हैं। पैसा तो इतना है, मैंने कल छींक मारी, 2 हीरे निकले, आप बिलीव नहीं करेंगे। अच्छा? हाँ जी, 4 तो अभी भी फंसे पड़े नाक में। हाँ जी, वो जिस दिन जुकाम होगा निकल आएंगे। अच्छा, हम लोगों की फैमिली में थोड़ा मजाक करने की आदत है। अच्छा, अच्छा। लड़का आपका नजर नहीं आ रहा। तो मेरे साथ ये स्कूटर खड़ा है, ये लड़का ही है। अच्छा 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 अच्छा, ये बड़ा दुबला पतला है। अच्छा अच्छा, वैसे ये लड़का और सुई अगर जमीन पे गिर जाए तो पहले तो सुई मिलती होगी। बेटा बेइज्जती होने से पहले पहले नमस्ते कर लिया करो। नमस्ते करो बेटा। जी नमस्ते भाभी ना किया करो बेटा, लेकिन नाश्ता कर लिया करो। अच्छा इधर आके बैठो, मेहमान आइए आइए आइए, बैठ मेरा भतीजा बैठ।